सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी तरफ से सक्सेसफुली एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप जिस भी स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब होने को है? 25 से 28 के बीच में होने को है। एक दो शेड्यूल है इसका, एक सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर दोपहर को 1 बजे तक, दूसरा शेड्यूल है दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 6 बजे तक, 28 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के हम लोग जो है, और कैप्चा डाल के हम लोग साइन इन करेंगे। नहीं, लॉगिन करते ही हमारे सामने डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड में हमारा एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड में हमें यूज़र आईडी मिल जाएगा, हमें पासवर्ड मिल जाएगा, वही पासवर्ड को डाल के हम लोग जो 25 को जो एग्ज़ाम देंगे उसी पासवर्ड को डाल के हम लोग साइन इन करके अपने एग्ज़ाम में अपेयर होंगे एंड सक्सेसफुली हम लोग अपने एग्ज़ाम को कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है एक एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगता है जो 100 KB के बीच में होना चाहिए, आप पहले से रखिएगा, और अपना एक फोटोग्राफ अपने पास रखिएगा जो 100 KB से कम में होना चाहिए और प्रॉपर नेटिव स्पीड होना चाहिए। घर का सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको आसपास कोई ना रहे, मतलब आवाज़ ना आए एक सा भी, मतलब उस टाइम पर जिस भी टाइम पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। 3 रेड अलर्ट अगर आ जाते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है आपका घर का वेदर ऐसा होना चाहिए कि कभी कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस, कार्ट ऑफ और भी कई सारे टॉपिक है अलग अलग, आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो बताएँ, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर से बनाते हैं एक नई वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे अपेयर हो सकते हो, क्या कुछ स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्या कुछ डूज हैं, क्या कुछ डोंट्स हैं। और सिलेबस तो आपको देखिए, अगर इस सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। सिलेबस अगर देखा जाए ना, सिलेबस आपको 2019 तक का मिल जाएगा जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। 2020 का नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम भी OEE एग्ज़ाम हुआ था। OEE का मतलब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस मिलना बहुत ही कम चांसेस है कि आपको मिल जाए, बहुत ही कम चांसेस है, मतलब नहीं मिलेगा। 2019 तक का सिलेबस आपको मिल जाएगा, वो आपको सिलेबस रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया है, आप पुणे यूनिवर्सिटी सिलेबस शुभम भगत सर्च कीजिएगा, मेरे नाम को लगा दीजिएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है उस टॉपिक में मैंने बनाया है। प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उस टॉपिक में भी मैंने वीडियोज़ बनाया है, तो वहाँ पर सिर्फ प्रीवियस पुणे यूनिवर्सिटी प्रीवियस पेपर शुभम भगत सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक दो में नाम मिले तो आप शुभम भगत लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा जो भी मेरे वीडियोस होंगे। अगर एग्ज़ाम को कैसे अपेयर होना है, स्टेप वाइज क्या कुछ स्टेप फॉलो करना है, क्या कुछ रिकमेंड होंगे, इस टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए उसके रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाया है। आप सिंपली अपने क्वेश्चंस को डाल के मेरे नाम को सर्च कर लीजिएगा। अगर इसका जो इंपॉर्टेंट डेट क्या कुछ है, कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, उसका भी रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया है, तो सिंपली मेरे नाम डाल के आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे एक ऐप का जिसका नाम है टेस्ट बुक, ठीक है। उस ऐप को डाउनलोड अगर कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, एक आपको सिंपल सा आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरी वन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।